जब दिल उदास हो और आँखों में आंसू हो, तो बस ये बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शबनम व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप लोग की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम ठीक हैं। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं बांद्रा स्टेशन। कहाँ जाएंगे उसके बाद वो वीडियो में आप देख लेना, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बांद्रा स्टेशन आ गए हैं हम लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेन के अंदर, हम लोग की ट्रेन भी आ चुकी है। खैर, मैं आपको बता ही देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अजमेर शरीफ। मैं खुद ही बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझसे खुद ही नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि मैं आप लोगों से छुपाऊँ, तो मैं नहीं छुपा सकती, मैं जा रही हूँ अजमेर शरीफ। क्या खाना है? मतलब ये चीज़ तुमको भूख लगी है बेटा? मतलब आजकल के बच्चे को खाना खाने तो कोई ना बोले, सिर्फ उनको बस यही सब खाना है। और हादी को इस चीज़ की भूख लगी थी, तो हादी को यहाँ पे अभी तक नहीं मालूम कि अब्बा जाएंगे साथ में या नहीं जाएंगे। और जब पता चलेगा तब तो मैं डर रही हूँ कि ये क्या रिएक्ट करेंगे। आदि बहुत खुश थे, और उसके बाद जब इनके अब्बा नीचे उतरने लगे और ट्रेन चलने लगी तो बहुत रोए, बहुत परेशान थे मुझे। इसके लिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और फिर अभी शाम का टाइम हो गया है, थोड़ा हादी का मूड भी सही हो गया था। बहुत ज़्यादा है हादी, अभी मोबाइल देखते हैं। ठंडी कैसी है बेटा? हाँ, ठंडी का मज़ा लेने आए थे, तो फिर क्या हुआ? तो अभी मॉर्निंग हो गई है और बहुत ज़्यादा ठंडी है। हादी तो एकदम ठंडी में, हादी कभी ऐसा ओढ़ के नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडी है कि हादी ब्लैंकेट ओढ़ के ऐसे बैठे हैं। कैसी है बेटा ठंडी? ठंडी का मजा लिए? ये दोबारा लोगे और लोगे? तो आ गए हम लोग अजमेर स्टेशन। बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, हादी को कभी इतनी ठंडी लगी ही नहीं। खैर, इतनी ठंडी वहाँ पे रहती भी नहीं है मुंबई में, यहाँ पे बहुत ठंडी है। ठंडी लग रही है बहुत। चलो क्या वो बहुत ठंडी लग रही है? और यहाँ पे आ गए अजमेर जंक्शन के पास सभी फोटो शूट कराने।
तो हाथी भी खड़े हो गए थे यहाँ पे फोटोशूट के लिए, पर डर रहे थे अभी, मतलब सबसे मिले जुले नहीं हैं, पहली बार सबसे मिल रहे हैं, तो अभी थोड़ा थोड़ा तो रह गई, फिर उसके बाद सब मिक्स हो जाएंगे सब में। और अभी हम लोग सामान का इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग तो आ गए थे पर सामान अभी नहीं आया था, तो सबका सामान आ रहा था तब तक मैं सोची हादी की दवा ले लेती हूँ, क्योंकि हादी को वहाँ से ही मतलब ट्रेन में जैसे आए वैसे ही इनको फीवर हो गया था, तो मैं घर से दवा लेके आई थी लेकिन वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं सोची एक बार ले लेती हूँ शायद आराम हो जाए। फिर यहाँ से मैं मेडिकल सामने दिख गया था, फिर मैं वहाँ से मेडिकल से वही वाली दवा ली जो पहले से थी हादी के पास, तो दवा ली और फिर आ गई, और फिर उसके बाद हमारा सामान भी आ गया था, और फिर उसके बाद हम लोग रिक्शे का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आधा घंटे खड़े होने के बाद हम लोग को रिक्शा मिल गई है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल। स्टेशन से बहुत ही पास में हमारा होटल था, तो अभी हम लोग होटल आ गए हैं, तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।